हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टेक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के आभूषणों से संबंधित सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के आभूषण, इनसे हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। पास मन वाले इस बार एक मूव जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आप चैनल पर अटेम्प्ट करें, वीडियो के अंदर जितना भी आपका स्कोर बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चुंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो चुंप नामक आभूषण पहना जाता है दांतों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, हम चुप रहने के लिए अपनी उंगली को दांतों पर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, चुंप आभूषण है दांतों का। इसके अलावा दांतों का एक और आभूषण है रखन। तो ये दोनों आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो दामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली में। आगे देखते हैं, मेमंद नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो मेमंद नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन इस बार के सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, मेमंद सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। आगे दे रखा है, तिमड़िया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है गले में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है? तो कमर में पहने जाने वाला आभूषण है सटका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। दामना कहाँ पर पहना जाता है? दामना पहना जाता है अंगुली में, बाजूबंद बाजू पर, और हंसली पहना जाता है गले में। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है, तगड़ी पहनी जाती है? तो तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? ये पहनी जाती है कमर में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, राजस्थान में बगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो राजस्थान में बगड़ी नामक आभूषण पहना जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाथों में। तो ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। आगे दे रखा है, कौन सा आभूषण सिर में नहीं पहना जाता है? सीसफुल, तिकड़ा, रकड़ी या पीपल पत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीपल पत्रा। पीपल पत्रा सिर पे नहीं पहना जाता है। तो पीपल पत्रा कहाँ पे पहना जाता है? पीपल पत्रा पहना जाता है कान में। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कौन सा आभूषण पैर में पहना जाता है? पायजेब, लंगर, घुंघरू, छलकड़ा या फिर सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यहाँ जो दे रखे हैं चारों के चारों सही है, यानी सभी। तो इन चारों ऑप्शनों का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, ये चारों पहने जाते हैं पैरों में। आगे दे रखा है, नत, बारी, काटा, लटकन आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो नत, बारी, लटकन और कांटा नामक आभूषण पहने जाते हैं नाक में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा युग्म असुमिलित है? सिर का दे रखा है बोर, कान का दे रखा है कर्णफूल, नाक का दे रखा है बलनी और कंठ का दे रखा है छेलकड़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, कंट छेलकड़ा। बाकी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों करेक्ट है, तो ये आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, नुपुर नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो नुपुर नामक आभूषण पहना जाता है पैरों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान रखना है, नुपुर पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। आगे देखते हैं, हंसहार, तुलसी, मंडली आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये तीनों के तीनों आभूषण पहने जाते हैं गले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है इससे संबंधित क्वेश्चन। आगे दे रखा है, तावित, बिस्कुल, बालापास नामक जो आभूषण है वो कहाँ पे पहने जाते हैं? तो तावित, बिस्कुल और बालापास आभूषण पहने जाते हैं मस्तक पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, कौन सा आभूषण बाजू में पहना जाता है? पायजेब, आगे दे रखा है तकमा, आरत या फिर मेमंद। तो जो बाजू पर पहने जाते हैं वो पहने जाते हैं तकमा और आरत, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर सही है, बी और सी। पायजेब कहाँ पे पहना जाता है? पायजेब पहना जाता है पैरों में, मेमंद सिर पर। तो ये आप जितने भी फैक्ट है आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और मेमंद का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पायजेब का भी पूछा हुआ है, ये आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए जितने भी आभूषण हैं इनको देख लेते हैं। तो सिर पर पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं? ये हैं बोर, रकड़ी, कोडिया का झुमका, गेडी, मेमंद और तीकड़ा। इनसे ही हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी के बारे में आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए।
बोर रखड़ी, कोड़िया का झुमका, गैडी, मेमंद और तिकड़ा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दे रखा है मस्तक। मस्तक के यहाँ पर बहुत सारे दे रखे हैं, तो ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए मस्तक के कौन कौन से आभूषण है। टिको, तलब, लला टीका, बोल, पतरी, बिंदिया, सीसफुल, सीसफुल, झेला, बालिया, बिस्कुल और बालापास। इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी ध्यान रखें। वापस देख लेते जल्दी से, टिको, तलब, लला टीका, बोल, पतरी, बिंदिया, सीसफुल, सीसफुल, झेला, बालिया, बिस्कुल, बालापास। नेक्स्ट दे रखा है कान। कान में पहना जाता है ओगन्या, मुर्किया। मुर्किया का जरूर आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रेड मार्क्स, रेड कलर से इसको मेंशन किया है। बेड़ला, झेला, कर्णकुंडल, लटकन, कुड़के, बाली, सुरलिया, फीनिया, पीपल पत्रा और टोटी। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, पीपल पत्रा आप जरूर ध्यान रखें, कान का आभूषण है। और जो ये लटकन है, ये कान का तो आभूषण है ही है, इसके अलावा नाक का भी है, ये आप ध्यान रखें। और जेला कान का भी है, और यहाँ पर यह देखा है जेला मस्तक का भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं नाक। नाक के आभूषण है नत, टंका, लूंग, चौंप, लटकन, बारी, चुन्नी, बुलाका, बलनी, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और लूंग का कभी कभार एग्जाम में पूछ जाता है, चौंप का भी पूछ जाता है। अगर चुंप आए, चुंप तो होगा दांत, चौंप आए तो नाक, ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है दांत, चुंप या चुंपा और रखन, ये दोनों हैं दांत के। कंठ के है ठुस्सी, कंटी, चंपकली, इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखें, ठुस्सी, कंटी और चंपकली कंठ के आभूषण हैं। आगे दे रखा है गले व छाती के आभूषण, मादलिया, हंसार, मंडली, पंचलड़ी, कंठी, हंकर, मोहनमाला, तिमड़िया, तुलसी, थमनिया, बज्जरबट्टी, खुंगली, जंजीर और हंसली, ये सभी हैं आभूषण गले के। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसका वापस रीडिंग जरूर मारें, ताकि आपके माइंड में इसकी इमेज छप सके। इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनमें जो जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये है तिमड़िया, मादलिया, हंसार, इसके अलावा थमनिया और हंसली, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे देखते हैं बाजू। बाजू के जो आभूषण है वो है बट्टा, बाजूबंद, इसके अलावा चुड़ला, अनत, तकमा, बाजूबंद, नवरत्न, हारपान, गजरा और आरत। और इनमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो है एक तो बाजूबंद, भुजबंद, बट्टा और आरत, तो ये आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। फिर आगे दे रखा है कलाई। कलाई के हैं चूड़िया, मोकड़ी, कंगन, बगड़ी, कंगन और पुचिया, तो ये जितने भी आभूषण हैं ये सभी कलाई के हैं, ये आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कमर के। कमर के जो आभूषण है वो है तगड़ी, सटका, करधनी, कंदीरा, कंदोरा, कणकती। और आगे दे रखा है पैर के। पैर के है पायजेब, टांका, तोड़ा, घुंघरू, नुपुर, रिमझोल, झांझर, आंवला, हिरणमैन, लंगर, छड़, लच्छन, कड़ा, नेवरी, पायल, पंजा और पेंजनी। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके जितने भी ये आभूषण है ये जरूर पढ़े, ये सभी है पैरों के। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पायजेब, इसके अलावा नुपुर, रिमझोल और नेवरी, लच्छन, लंगर, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप ध्यान रखें। फिर आगे दे रखा है पैर की उंगली, बिछिया, पगपान, गोर, फोलरी। और हाथ की उंगलियों के हैं छल्ला, विट्टी, अरसी, हथपान, अंगुली, दामना, छाप और छड़ा। तो फ्रेंड्स, ये सभी आभूषण थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। और लास्ट 3 महीने के करंट अफेयर का वीडियो जरूर देखें, वो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।